दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर में वन्य जीवों की तस्करी करने वाले तस्कर दो मुहा सांप लेकर घूम रहे हैं। सूचना पर क्राइम ब्रांच टीम व वन विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए आरोपी विकास राव निवासी तेजपुर गड़बड़ी की पुलिया के पास राजेंद्र नगर को गिरफ्तार किया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से सैनबोआ दोमुहा सांप मिला है और पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कई ग्राहक दुर्लभ प्रजाति वन्य जीव सैनबोआ दोमुहा सांप की मुंह मांगी कीमत पर खरीदते हैं और इसीलिए अवैध लाभ अर्जित करने की नियत से ग्राहक तलाश रहा था। क्राइम ब्रांच की सूचना पर पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी विकास के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 48 ए के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों से अन्य मामलों में पूछताछ शुरू कर दी है। मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है यहाँ पे रेड सैंड बोआ जो कि एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है और उसको बेचने की फिराक में घूम रहा है। तो हमने फॉरेस्ट विभाग को इस संबंध में हमने उनको सूचना किया और फिर फॉरेस्ट के साथ में जाके जो है इस व्यक्ति को हमने फिर लिफ्ट किया। इसके पास से एक रेड सैंड बोआ मिला है और ये ब्लैक मार्केट में काफ़ी राखों में इसकी बिक्री होती है। ये औषधियों को बनाने में और इसका तांत्रिक विद्या वगैरह में इन सब में इसका जो है इस्तेमाल होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये व्यक्ति बेचने की फिराक में घूम रहा था और अपने फॉरेस्ट की टीम ने कस्टडी में ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ से लाया था, कुछ बताया था? ये जो आसपास के जंगल हैं वहीं से ये पकड़ के लाया था और पूर्व में भी इसकी शोहरत रही है कि ये व्यक्ति इस तरह के ट्रेड में संलिप्त रहा है और इस बार ये जो है अपने पूरे सामान के साथ में गिरफ्त में आया है। सर आरोपी कौन है, क्या बैकग्राउंड है? आरोपी का कोई ऐसा खास बैकग्राउंड नहीं है और जो है पूर्व में भी इसके शोहरत आती रहती थी। उसी आधार पर मुखबिर ने भी इसमें सूचना करी कि ये व्यक्ति दोबारा जो है कुछ बेचने की फिराक में घूम रहा है। साइबर क्राइम से संबंधित हमारे पास जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उसमें बहुत सारे ऐसे नंबर्स आते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं और उसमें अलग अलग तरीके से वो लोग जो है लोगों को टारगेट करते हैं। ऐसे नंबरों की हमने एक सूची बनाई है और ये हम अपने जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है उनके माध्यम से ये नंबरों को ब्लॉक कराने की कार्रवाई कर रहे हैं ताकि ये अन्य देश के अन्य हिस्सों में अन्य लोगों को टारगेट ना कर सकें। तो ये कार्रवाई जो है ब्लॉकिंग की जो DOT की गाइडलाइंस है उसके तहत की जा रही है। सर इसमें विदेश के भी नंबर हैं, कुछ बाहर के भी नंबर हैं, आउट ऑफ इंडिया के भी नंबर जो है समथिंग? नहीं ऐसा नहीं है। वो जो विदेश के नंबर जो लिख कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि विदेश के नंबर से कॉल आ रहा है उनको, मगर वो स्पूफिंग होती है, वो कॉल स्पूफिंग कहलाती है वो, और अल्टीमेटली उसके पीछे कोई ना कोई इंडियन नंबर ही होता है क्योंकि ये जितने भी गैंग्स हैं ये सब इंडिया में ही ऑपरेट कर रहे हैं।